उनको अपना मियार पता था, एक लिमिट पता थी। लेकिन अब क्या है कि अब उन्होंने साथ में, मतलब कॉमन लोग जो हम जैसे जिनका कुछ शो से लेना देना, लेकिन वो इतने समझदार उनमें से कुछ और कुछ पागल निकल आए, तो वो बाबा बाबा जो आए हैं उन्होंने जो हरकतें की हैं, इट्स नॉट गुड। यार देखो, जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, एक ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस में आप जो हैं कास्टिंग करते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं आप, क्रिएटिव टीम से मिलते हैं, वो सब चेक करते हैं आपको। लेकिन आप किसी के दिमाग में तो जा नहीं सकते कि आप किसी के दिमाग में चले गए और देख ले भाई तू क्या करेगा बाहर जाके। ना तो उसमें कास्टिंग की गलती है, ना एंडमॉल की गलती है, ना कलर्स की गलती है। ये तो एक पर्टिकुलर इंसान की गलती है जो कि वहाँ जाके पागल हो गया या पागल था, या कोई उसको पकड़ नहीं पाया। जिस तरह से कैंसर का कोई इलाज नहीं है, एंड में पता लगता है यार वो कैंसर है, मरने वाला आदमी, ये कैंसर था बाबा, नकली बाबा। हाँ यार, 6 मिलियन हिट्स हो गए हैं क्लब हो पब हो पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्लब हो या पब हो, विस्की का टब हो, नशे में हम सब हो, वो ओ ओ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड इसमें बोहेमिया पाजी ने बहुत अच्छा रैप किया है, सुखी ने बहुत अच्छा गाया, मैंने गाया पूरा माशाल्लाह, अच्छे से लोगों को पसंद आया। रामजी गुलाटी ने बहुत अच्छे से कंपोज किया एंड आप लोगों ने उसको हिट किया, तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल फॉर सो मच लव दैट यू हैव गिवन मी। मेरा आने वाले प्रोजेक्ट भैया, आने वाला प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है हबीबी फुल माशा अल्लाह, हबीबी फुल माशा अल्लाह, एक नया गाना आ रहा है जो उज़्बेकिस्तान की एक सुपरस्टार सिंगर है जरीना, उनके साथ। फिर एक गाना आ रहा है मेरा एमके के साथ में, इस पल को आओ जी ले जरा, वो आ रहा है तो, और बेवफा आ रहा है, तो तीन गाने बैक टू बैक इंशाल्लाह इस साल रिलीज होंगे। सो होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आप जब बिग बॉस में गए थे तो आपने पहले दिन से जाते के साथ आप कप्तान बने थे, और उसके बाद जाते के साथ आपने धमाका कर दिया जी। अगर इस बार होते तो क्या उसी तरह? इस बार तो पिटता कोई मेरे हाथ से, और मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ दबा के, तो इस बार क्या होता है ना कि मार्शल आर्ट में आप बचाते हो फिर फोड़ते हो, तो इस बार तो फूटता मेरे से, और 100% बाबा तो फूटता ही फूटता, बाबा जी सीखते। या तो अगर बाहर नहीं मिल जाते हैं तो कैसे स्वागत करेंगे हम उनका? स्वागत हम जो है पंचिंग पॉक, पंचिंग जैसे बैग होता है ना, वैसे करके रख रख के देने वाला हूँ मैं उसके। जिस हिसाब से उसने थ्रेटन किया है कि हम शो नहीं होने देने, और सलमान भाई पे गलत एलिगेशन लगाया ना, मुझे मिल जाए मैं आप लोगों के सामने फेसबुक पे लाइव जाऊँगा और उसे भी मारूंगा और उसके नकली सपोर्टर्स को भी मारूंगा। क्योंकि जो बाबा जो होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे पंडित जी हैं बेचारे, इतने सीधे साधे पंडित जी हैं, हमारे यहाँ पे मौलाना होते हैं, धर्मगुरु जितने भी होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, उनको दीन और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने अपने में मस्त होते हैं, लोगों को जो है प्यार बांटते हैं। आप आस्था चैनल देखिए कितने अच्छे अच्छे बाबा आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप समझे? तो ये सब जो इस टाइप के बाबा हैं, वो अटेंशन चाहते हैं, वो लोग फ्रॉडी लोग हैं। अब वो कह रहा है मुझे विलन बनना है, मुझे अपने बाल कटवाने, तो कहाँ का बाबा भाई तू, साला भिखारी शक्ल से भिखारी लगता है, कौन उठा के लिया है इसको? वो तो बताते हैं कि एरोप्लेन भी है उनके पास। एरोप्लेन है वहाँ, वो प्लास्टिक का एरोप्लेन है खेलने का, वो शाम को खेलता है बाथरूम के बाहर उस एरोप्लेन से। आपका एक सॉन्ग आया था सनी लियोनी के साथ, वो काफी हिट हुआ जी, तो आप उसके बारे में बताएं कहाँ? जी म्यूजिक ने रिलीज किया था, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। ये इश्क मेरा है दीवाना ये तेरा है, तेरे प्यार में ओ जान जा मेरे दिल को ये क्या हुआ, बहुत अच्छा सॉन्ग था, आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना। और आपका एक जो आपने बिग बॉस में जैसी आपने एंट्री की थी, तो सॉन्ग के साथ में एंट्री की थी, बोरे बोरे दिलम थोरा थोरा नमीखात दीगे दीगे नमीखा बेबीना मैं, बुरे बुरे हम 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 शैतान जारा जारा बचना रे बाबा। तो ये आपको फारसी भी आती है, बड़ी इजीली आप गाना गा देते हैं जी, आप कितनी लैंग्वेज? मैं 7-8 भाषाएं बोल लेता हूँ भाई, वक्त आने पे, दबाव पड़ने पे बहुत सारी लैंग्वेज निकल जाती है। फिल्में होंगी और गाने होंगे बैक टू बैक। आप जो आपका ये सॉन्ग अभी काफी
बहुत ज़्यादा खुशी है और इसी खुशी के चक्कर में मैंने 3 और गाने बना दिए और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने मेरे इस गाने को हिट किया। यूजली फिल्मों में गा के गाने हिट होते हैं, सिंगल बहुत मुश्किल होता है। मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग देखना, यू नो यहाँ पर तो 70 लाख लोगों ने देखा है, 60-70 लाख लोगों ने देखा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 60-70 लाख लोगों का कि आप लोगों ने मेरे गाने को पसंद किया। क्लब हो या पब हो, विस्की का टब हो, नशे में हम सब हो, वो ओ ओ सोनी कुड़ी नाल हो, म्यूजिक की कमाल हो, फुल लाइट धमाल हो, वो ओ ओ अपने दर्शकों को जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपके सोशल मीडिया जी प्लस अदर जो आपसे नहीं मिल सकते, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अली कुली मिर्ज़ा मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करिए। मैं डेली उस पेज में आता हूँ, लाइव जाता हूँ हमेशा, और जो भी आप लोग के सवाल हैं जवाब में प्लीज़ उस पर लिखिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। एंड जितना आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा मैं आगे बढ़ता रहूँगा। आई जस्ट नीड योर प्रेज एंड आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच। जो लोग आपसे नहीं मिल पाते हैं और आप कहीं शो करते हैं तो बहुत दीवानगी दिखाते हैं। जी 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 आपके जी, तो आप उनके बारे में जैसे उन लोगों को मिलना हो आपसे तो वो मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएं। फेसबुक पेज पे पता होता है कि कौन सा शो कहाँ पर हो रहा है, वो आए मुझे मैसेज करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा और आए देखें एंड रॉक करें। थैंक यू।